भारत की आत्मा गांव में बसती है, जहां 60% आबादी निवास करती है, लेकिन अधिकांश ग्रामीणों के पास अपनी आवासीय संपत्ति के कागजात नहीं है। अंग्रेजों के समय से देश के ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का बंदोबस्त होता रहा है, लेकिन अधिकांश राज्यों में गांवों की आबादी क्षेत्रों का सर्वे और मापन संपत्ति के सत्यापन के दृष्टिकोण से नहीं हुआ है। फलस्वरूप अधिकांश ग्रामीण घरों के संपत्ति के कागजात मौजूद नहीं है। मालिकाना हक की गांव की इस जरूरत को पूरा करेगी भारत सरकार की स्वामित्व योजना। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन तकनीक के द्वारा की जाएगी, जो सर्वेक्षण और मापन की नवीनतम तकनीक है। इस देशव्यापी पैमाइश में भारत का पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज तथा राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल होंगे। ड्रोन से गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप से नक्शा बनाया जाएगा, साथ ही प्रत्येक राजस्व खंड की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। सटीक मापन के आधार पर गांव की प्रत्येक घर का संपत्ति कार्ड राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जाएगा। इस तरह से यह क्रांतिकारी कदम संपत्ति के मालिक को सुगमता से मालिकाना हक प्राप्त करवाएगा। इस मालिकाना हक से गांवों के निवासी अपनी संपत्ति का वित्तीय उपयोग जैसे कि ऋण लेने में सक्षम होंगे और गांवों के आवासीय क्षेत्र का रिकॉर्ड पंचायतों को प्रदान कर सकेंगे। इससे संपत्तियों का कर के दायरे में आना और पंचायतों द्वारा आसानी से कर संग्रह संभव हो पाएगा। इस आमदनी से पंचायतें ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पाएंगी। संपत्ति के स्पष्ट आकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में भी वृद्धि होगी। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के उपयोग से ग्राम पंचायत के पास गांव का सटीक रिकॉर्ड और मानचित्र होगा, जिसका उपयोग कर वसूली में, भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने में, अवैध कब्जा समाप्त करने आदि के लिए किया जा सकता है। हमारा देश बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्नत तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है। सशक्त पंचायतों से ही सशक्त भारत का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया जा रहा है।